तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रील ओरिजिनल ऑडियो लिंक करके मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन होकर कुछ इस तरीके का एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक यूज़ ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको करना है स्क्रीन के सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 स्टार्स बने हुए आपको दिखेंगे, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ट्रेंडिंग रील्स अपीयरेंस ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, स्क्रीन के लिए वही सारे ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्टिंग पे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सर्च आइकॉन का एक लोगो दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी सर्च इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सर्च इफेक्ट के बार के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको टाइप करना है OH AMGIN। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक इफेक्ट आ जाएगा, तो इफेक्ट आपको यहाँ पर जो शो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, तो कैमरा का स्क्रीन आपको जो ऊपर शो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक टाइमर का छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक काउंटडाउन का ऑप्शन है, काउंटडाउन के ऑप्शन के सामने आपको 3S लिखा हुआ दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो 10S आ जाएगा। तो 3S मतलब 3 सेकंड, 10S मतलब 10 सेकंड, तो आप यहाँ पर आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी टाइमर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3S का टाइमर लगा दूंगा और इसके बाद नीचे सेट टाइमर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अभी आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा उसे ओपन करना है, मोबाइल को एक स्टडी पोजिशन पर रख देना है और स्क्रीन के सेंटर में जो इफेक्ट का लोगो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 3, 2, 1 का एक टाइमर शुरू हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, बैकग्राउंड में आपका सॉन्ग भी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिप सिंक भी कर सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो वीडियो है अपने आप रेडी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको राइट का कैप्शन का सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ कैप्शन ऐड करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक कवर का ऑप्शन आ जाएगा, कवर के ऑप्शन पर जाकर वीडियो में से कोई भी एक पार्ट एज अ कवर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको एक सेव टू ऐड टू गैलरी, ऐड फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गैलरी में से कोई भी एक स्पेसिफिक फोटो एज अ कवर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के नीचे आपको एक शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो शेयर के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने बनाया हुआ वीडियो आपके फीड पे एज अ रील पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इस पर लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।